सफाई का काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको आज ठेका प्रथा पर क्यों रखा जाता है? उनको आज भी उनकी न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिलती? उनको आज भी अपनी जिंदगी हथेली पे रख के दिन दिहाड़ी कमाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? 50 लाख से ज्यादा एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो सफाई के काम में केवल अपनी पसंद से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने परिस्थितियों के पिछड़ेपन के कारण, अपनी जात के कारण, अपनी पुश्तैनी गरीबी के कारण इस तरह का काम करने के लिए मजबूर है। भारत देश के अंदर हर रोज देश में लगभग 100 जो है सफाई कर्मचारी गटर के अंदर जिनके मर जाते हैं, और भारत देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इतने हर्षोल्लास से। तो मैं सवाल करता हूँ भारत सरकार से कि भारत में आज भी ऐसा क्यों है कि हर रोज 100 लोग जो है गटर के अंदर मरते हैं, और सफाई कर्मचारी जो है उसको कम से कम जो है वेतन दिया जाता है जिससे वो अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं, और बहुत समस्याएं हैं, और उनको उस नज़र से लोग देखते हैं जैसे वो इस दुनिया से नहीं है, वो इस दुनिया से अलग है, और उन्हें भी चाहिए, अधिकार चाहिए, और वो भी चाहते हैं कि वो अच्छे लोगों के बीच रहें, पढ़े लिखे, उनके बच्चे जो है शिक्षित हो, और उनको भी अधिकार मिले, जो है बराबर वेतन मिले, सरकारी नौकरी मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, और झंडा हम लोगों को दे दिया गया है कि झंडा सबको दिया जा रहा है। क्या इस देश में सफाई कर्मचारी की हालत क्या है, क्या भारत सरकार जानती है इस बारे में? आप लोगों को ग्लव्स वगैरह और जो भी सफाई से जुड़ी चीजें हैं वो भी आप लोगों को दी जाती है? नहीं, हमारे को दी नहीं जाती है। नहीं दी जाती है हमको, कुछ भी दिया नहीं, दिए नहीं, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला वगैरह आपको? दिल्ली सरकार का जो न्यूनतम वेतन जो निर्धारित किया है दिल्ली सरकार ने, वो हमें मिलता है, लेकिन मैं अभी कुछ सफाई कर्मचारियों से मिला जो रोड पर जो झाड़ू लगाते हैं, उन्होंने मुझे बताया, सीवर में काम करते हैं, कि हमें अभी भी 6,000 रुपये हर महीना सैलरी पर उनसे काम कराया जाता है। भारत देश के अंदर आज के दौर में मशीनें आ गई हैं, लेकिन अभी भी लोग सीवरों में घुस के सफाई करते हैं। मशीनें आने के बाद सफाई क्यों करते हैं? ये उनसे ज़बरदस्ती कराई जाती है, और अगर मशीनें हैं हमारे देश में सफाई करने के लिए सीवरों की, तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों में अभी अंबेडकर यूनिवर्सिटी का में एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, तो क्यों उस सफाई कर्मचारी से सीवर के अंदर सफाई कराई गई? मुआवजा वगैरह आप लोगों को दिया जाता है? नहीं नहीं, जो सीवर में मौतें होती हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है हमारे देश के अंदर। वहाँ पे तो ये बोलते हैं अगर आपको लगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर जैसे चोट लग जाए, कोई जीने से गिर जाए, मगर हम जैसे घर बैठ जाए, हमारी हाथ नहीं लगेगी, हमको नौकरी से भी हटाया जाएगा, ये बोलते हैं वहाँ पे। तो मशीनें आ चुकी हैं, तो क्या महिलाएं भी इसमें सेवा करता है वहाँ पे? हाँ, वो भी गटर में जाकर सफाई पे रखा जाता है। जैसे वहाँ पे कोई जैसे कोई चीज जैसे कोई बात हो जाती है, जैसे बोलते हैं, धमकी देते हैं, आप हड़ताल पे जाते हो अगर ऐसा करोगे तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा, ये बोलते हैं, हमको धमकी दी जाती है वहाँ पे। इलाज वगैरह तो आपको दिया जाता होगा? इलाज वगैरह तो मिलता होगा अगर कोई भी घटना छोटी मोटी हो? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें वहाँ तक तो हमें कोई दवाई गोली कुछ भी नहीं मिलता वहाँ से, कुछ भी नहीं। 50 लाख से ज्यादा एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो सफाई के काम में केवल अपनी पसंद से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने परिस्थितियों के पिछड़ेपन के कारण, अपनी जात के कारण, अपनी पुश्तैनी गरीबी के कारण इस तरीके का काम करने के लिए मजबूर है। आज भी हम एक इस तरीके के देश में रह रहे हैं जो मना तो रहा है 75 साल के अमृत वर्ष आज़ादी के, लेकिन उसी देश में इस देश का जो मजदूर, इस देश का जो दलित सफाई कर्मचारी है, वो बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के गटर के अंदर घुसता है, और घुस के वो बेमौत गुमनाम मौत मरने के लिए मजबूर है। और इसके लिए उसको किसने मजबूर किया है? ना सिर्फ इस आज साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी किसने मजबूर किया, ये सवाल उठाया जाना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि है जो सफाई का काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको आज ठेका प्रथा पर क्यों रखा जाता है? उनको आज भी उनकी न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिलती? उनको आज भी अपनी जिंदगी हथेली पर रख के दिन दिहाड़ी कमाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? तो है सरकार न्यूनतम मजदूरी कैसे कह रहे हैं? सरकार के आंकड़ों को ही उठाकर अगर आप देख लेंगे तो आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि आज भी जो गटर का काम कर रहा है, जो मैला उठाने का काम कर रहा है, ठीक है, जो घरों में काम कर रहा है, उसको 40 से 100 रुपये या मैक्सिमम बहुत सारे गटर साफ करने पे 300 से 400 रुपये मिलते हैं। और आपको पता है ऐसा क्यों है? क्यों मशीनों के मौजूद होने के बावजूद, आज नहीं बहुत सालों से मशीनों के मौजूद होने के बावजूद, नियमों के कानूनों के मौजूद होने के बावजूद भी क्यों गटर आदमी से साफ करवाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इतने भद्दे देश में रहते हैं जहां पर आदमी की जिंदगी सस्ती है और मशीनों से काम करवाना महंगा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि 75 साल तथाकथित आज़ादी के हो गए हमको, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री इस बात पर दंभ भरता है
इस बात पर दंभ भरता है और इस बात का सीना ठोक कर बाकी देशों में जाकर ये बात कहता है कि आप हमारे देश में आकर निवेश करिए। क्यों? इसलिए निवेश करिए क्योंकि हमारे देश का मजदूर बहुत सस्ता है, हमारे देश के मजदूर की जान बहुत सस्ती है। और यहाँ से सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि आखिर जिसको आप कह रहे हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी के, उस 75 साल की आज़ादी में मरने के लिए आज़ाद इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी क्यों है? क्यों आज भी अखबार में एक खबर तक नहीं निकलती है जब कई कई गटर में घुसकर मर जाते हैं आए दिन? क्या इससे बड़ा कोई आतंकवाद है क्या हमारे देश में कि आदमी को पता है, अथॉरिटीज को पता है, लोगों को पता है कि ये इलीगल है, लेकिन फिर भी ध्यान देती है सफाई पर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको एक बहुत अच्छा वाकया बताती हूँ। हम दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग हाथ से आदमी को बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के अंदर घुसेड़ते हुए उसको मैला ढोने के लिए जाते देखा। हमारी एक साथी ने जाकर उसको लेकर कंप्लेंट की थाने में, और आपको पता है क्या 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 खामियाजा भोगता उसने? 3-4 महीने से ऊपर हो चुके हैं और हैरेसमेंट इतना हुआ है कि उसका फोन जब्त कर लिया गया लेकिन आज तक वापस नहीं किया गया। तो ये माहौल है, ये रवैया है, और इस रवैये पर सवाल उठाते हुए इसको क्यों नहीं बदला जा रहा है? सरकारें आज लगातार केवल पूंजीपतियों के लिए नीतियां क्यों ला रही हैं और जो मेहनत का शबादी है वो लगातार बेमौत मरने के लिए, गुमनाम मौत मरने के लिए क्यों आजाद है? और ये सवाल उठाते हुए हम सरकार को ये संदेश दे देना चाहते हैं कि हम तब तक संघर्ष करेंगे तब तक जब तक इस देश का जो सबसे ज्यादा दबा कुचला पिछड़ा और शोषित तबका जो है उसके हक की नियम कानून नहीं बनाए जाते, उसकी आजादी की बात नहीं होती, उसके लिए बराबरी और हक की बात नहीं होती, तब तक हम संघर्ष करेंगे। और सिर्फ तभी जब इस देश में कोई मैला ढोने के लिए बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के मजबूर नहीं होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।